मैं फरहान आईएमबी से, ताहिर भाई जो एडवोकेट हैं, इसके पहले जो हमने इंटरव्यू किया था वो हमारे साथ हैं। उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं पीआईएल केस फाइल कर दूंगा, अब वो फाइल कर चुके हैं, तो अब प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं। ताहिर भाई, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि मैं पीआईएल फाइल कर दिया हूँ, तो आपने इसको किस आधार पर किया है? देखिए, पीएल जो मैंने फ़ाइल किया है, मैंने बगैर किसी से इंस्ट्रक्शन लिए बगैर मेरा कोई लोकल स्टैंडिंग के बगैर मैंने एक पीएल एज ए सिटीज़न, एज ए कंसर्न सिटीज़न, एज ए मुस्लिम मैंने एक पीएल फाइल किया है। इस पीएल फाइल का बेसिस मेरा क्या है बोले तो, जब मैंने आपसे इंटरव्यू के बाद, जब मैंने इस केस के बारे में जब पीएल बना रहा था, मैंने रिसर्च करी, तो उसमें मैंने क्या पाया कि 16/11/2018 को ही स्टेट गवर्नमेंट ने इस आईएमए के खिलाफ केस रजिस्टर करके उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए प्रोसीजर शुरू कर दिया था, और एक कंपिटेंट अथॉरिटी को भी अपॉइंट किया था, और उस प्रोसीजर में उन्होंने एक पब्लिक नोटिस भी दिया था जिसमें बकायदा उन्होंने बोला था कि हम इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने वाले हैं, और पब्लिक को कॉल फॉर किया था। तो ये आप बोले कि 16/11/2018 को किए थे, और जो लॉ के हिसाब से प्रोसीजर विद इन 30 डेज में होना चाहिए था। तो मेरा जो बेसिस क्या है, पूरी जो पीआईएल का बेसिस मेरा क्या है कि पोली को एक्चुअली जो राइट प्रोसीजर है वो है कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट के अंडर में पूरी प्रोसीडिंग होना चाहिए, जो कि प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल केस से एक पैरेलल प्रोसीडिंग है, जिसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुका है, जिसको पहले पूरी प्रॉपर्टी अटैच करनी चाहिए थी, उसने प्रॉपर्टी अटैच नहीं की, मगर अब जो वक्त है, अब जो भी जो प्रॉपर्टी है उनको पूरी अटैच करके, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो, और उसको जल्दी से जल्दी लिक्विडेट करके जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोपोर्शनेटली उनको डिसम्बर्स करना। और ये जितना ही प्रोसीजर है, क्योंकि हमने देखा है कि जो आईएमए है इट्स अ वेरी पावरफुल मैन, उसके पूरे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, इवन सोशल लीडर, रिलीजियस लीडर आर इन हिज पेरोल। तो मेरा क्या है, जो खास प्रेयर जो है, ये जितना भी जो प्रोसीडिंग चलना है, ये जितनी भी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रोसीडिंग चलेगी, ये पूरी अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट। तो एक चीज़ पूछ लूँ, आप जो बोल रहे हैं 16/11/2018 को जो पब्लिक की नोटिस आई थी, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने इसी के टॉपिक के पर उनसे इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने टोटल डिनाई कर दिया था कि ये जो नोटिस, पब्लिक नोटिस आई है, ये सही नहीं है, इसके पीछे कुछ साजिश है। तो आप वो जो बोल रहे हैं कि जो वो नोटिस आया था वो गवर्नमेंट की तरफ से पक्का नोटिस था? देखिए, एक नोटिस जो कि जिसमें केस का नंबर है, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का एड्रेस है, और वो मेजर लीडिंग न्यूज़पेपर में आ सकता है, तो उसको कौन उसको करेगा, वो कैसे फेक हो सकता हो? अगर उसे फेक होना था, उन्हें पेपर वालों के ऊपर केस करना था। तो ये तो बहुत बड़ा चूक हुआ है इन्वेस्टर और सभी से। और सिर्फ गवर्नमेंट के डिरिलेक्शन की वजह से आज ये इसको मौका मिला है, ये भाग गया है, और इसको मौका मिला है पूरी चीज़ों को मैनेज करने का। अगर गवर्नमेंट उसी वक्त में अगर ये कुछ उसको पकड़ ली होती, या सही से प्रोसीजर किया होता, लॉ को फॉलो किया होता, तो आज ये इन्वेस्टर्स को ये सब हालत नहीं देखनी होती थी, आज मंसूर हमारे सामने रहता था, और मैक्सिमम, क्योंकि मुझे भी ये पूरा यकीन है, उस वक्त भी उसके उतना असेट नहीं रहेगा, और एटलीस्ट क्या था, मैक्सिमम लाइबिलिटी डिपॉजिटर्स की तब उनको मिल सकती थी। तो इसमें तो अगर मैं तो देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट का भी चूक है, तो हम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते? गवर्नमेंट का चूक नहीं है, गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव है पूरे। नहीं, अब जो भी है, चूक हो या हैंड इन ग्लव्स हो, वह बात अलग है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जब इतनी बात आपको पता था, तो आपको तो बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसी बेसिस के ऊपर हमने क्या है कि हाई कोर्ट में जो प्रेयर की है, उसका मकसद क्या है कि पूरी जो प्रोसीडिंग चलती है, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो भी प्रोसीडिंग चलती है सीजर की, लिक्विडेशन की और डिसबर्समेंट की, वो पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट के सुपरविजन में चलना, वो हमारी एक मेन प्रेयर है जी। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो पीएल आप फाइल कर दिए हैं, तो इसके साथ जो लोगों को अटैच होना है, या लोग आप इसके साथ जितने लोग इसके साथ फाइल को जुड़ेंगे, ये उतना मजबूत होगा, करेक्ट? तभी जाके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा। तो अब ये बताइए कि जो इन्वेस्टर हैं, अब इसके साथ कैसे अटैच हो सकते हैं, क्या कार्रवाई वो कर सकते हैं, क्योंकि आपने इनिशिएटिव ले लिया, अब आपके अकेले इनिशिएटिव से तो फ़ायदा नहीं है जब तक कि पूरी फोर्स उसके साथ ना जुड़े। तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो है जो कोर्ट के ऊपर है सारी चीज़ें, कोर्ट क्या है, एक आदमी की प्रेयर, इवन जो कि हमारे लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन कोर्ट्स कई बार खाली पोस्ट कार्ड्स को, एक मैसेज को भी पीएल बना के बहुत बड़े डिसीजन, लैंडमार्क डिसीजन देते हैं। मगर पीएल जैसे आपने बताया कि लोग इसमें जुड़े हैं, या कुछ भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या दूसरे केस फाइल करना, ये करना, वो करना। देखिए, इसमें एक सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आप लोग, कोई भी आदमी रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, मतलब कोई भी रिट पिटीशन ऐसी फाइल होगी, वो हम वो जाके पीएल में मेरी अटैच हो जाएगी, टैग हो जाएगी, बजाय रिट पिटीशन
पेटेंट फाइल करने के, जितने भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं इसमें इसमें अपने कॉस्ट को उठाने के लिए और कोर्ट को बताने के लिए कि भाई इतने लोग इफेक्टेड हैं, तो इन लोग मेरी पीआईएल के अंदर ही अपने आप को इम्प्लीट कर सकते हैं और एक इम्प्लीकेंट ये इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन डाल के उसका हिस्सा बन सकते हैं। उससे हिस्सा बनने से क्या होगा, कोर्ट को मालूम चलेगा कि खाली क्योंकि मैंने जो किया है मेरा कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, मगर जो लार्ज नंबर जिन लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जो वो लोग आएंगे तो कोर्ट भी समझेगा कि इट इज़ अ हाई स्टेक मैटर वेयर लार्ज नंबर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड, तो वी हैव टू हैव अ मिटिकुलस सुपरविजन फॉर एंटायर मैटर। तो इसमें क्या कुछ प्रोसेस है कि लोग जाके ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं, सिर्फ पूरा ऑफलाइन का प्रोसीजर। इसके लिए क्या होगा, देखो कोई अगर जिनको लीगल प्रोसेस मालूम है और कोई वो खुद कैपेबल है, तो वो अपने आप से भी खुद, जैसे मैंने पार्टी इन पर्सन किया है, तो वो भी पार्टी इन पर्सन अपनी प्लीडिंग एप्लीकेशन, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में जाके, वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं ऑफिस में होता है, मगर क्या होता है थोड़ा टीडीएस मैटर है, थोड़ा टीडीएस प्रोसीजर है और जल्दी से कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो इनकरेज भी नहीं करते ऑफिस वाले भी, और वो लोग खुद भी थोड़ी देर टायर्ड हो जाते हैं उस बात को लिए। तो बेहतर क्या है, एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट को लेके आप अगर एक अपनी उसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो डिटेल्स निकाल के ये इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन फाइल करेगा, और वो इम्प्लीडिंग एप्लीकेशन फाइल करके आप भी उसका हिस्सा बन जाएंगे, तो और कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगा इट विल बी एप्लीकेबल ऑन यू। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि इसमें ऐसा ना हो कि लोग, आप जानते हैं, हर कोई अपनी दुकान चालू कर देता है, तो आप अच्छे कॉस्ट के लिए कर रहे हैं, दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई पैसा का डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक रिजनेबल अमाउंट में कोई लोग अगर करता है तो ठीक है। तो ये मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई लॉयर बोलेगा कि ठीक है चलो उसके अंदर मैं आपको अटैच करता हूँ, तो हाउ मच ही कैन चार्ज, कितना चार्ज कर सकते हैं? देखिए, ये है जो फीस चार्ज करना है, लॉयर का एक इंडिविजुअल डिसीजन रहता है। हाँ। और आपको मालूम है पूरा मनी मैटर्स है जी, कोई मनी मैटर्स में कोई भी एडवोकेट उतना ज़्यादा नहीं करता, मगर काफ़ी मुस्लिम एडवोकेट, यंग मुस्लिम्स एडवोकेट एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि देर टाइम वांटेड टू कम फॉरवर्ड फॉर द कम्युनिटी कॉज, तो दे माइट डू इट इन वेरी रीजनेबल प्राइस। ओके ओके, अगर आपको ऐसा कोई स्प्रिटेड आदमी मिल गया तो ही मे डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। स्प्रिटेड मिल गया, अगर कोई स्प्रिटेड नहीं मिला तो ही विल, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पिटीशन तो ड्राफ्ट करना नहीं है, उनको सिर्फ इम्प्लीडिंग होना है, मगर उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन, थोड़े डॉक्यूमेंट्स करना होता है, तो उसका एक अलग एक्सपेंस रहता है, वो एक्सपेंस में नॉमिनल में कोई भी कर सकते। अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे इसके पहले भी बहुत सारे कंपनी थी जो फ्रॉड का काम किए और उस वक्त भी केस फाइल हुआ था, उसमें और आपके ये जो केस फाइल किए क्या डिफरेंस है? देखिए, आप बिल्कुल सही सवाल पूछें, बहुत लोगों के जहन में सवाल आता है कि देखिए इससे पहले भी कंपनियां डूबी हैं, सिमिलर नेचर की कंपनियां डूबी हैं जहां पे लोगों के एसेट भी थे, और हमने भी सुना कुछ केस में तो किसी ने किसी रेड्डी को 20 करोड़ रुपए दिए, 80 करोड़ रुपए रिजर्व वो पुलिस ने रिकवर किया, और लोग आज भी वेट कर रहे हैं पैसे आएंगे। तो देखिए, जो हमारा जो पीआईएल फाइल करने का जो मकसद है लोगों को एक स्पीडी रिलीफ दिलाना, और जो मैंने पीआईएल फाइल किया है वो मैंने फाइल किया है कि जो कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एक्ट के प्रोविजंस के था में पूरी प्रोसीडिंग होना, जो कि ऑलरेडी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, ऑर्डर के हिसाब से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो अगर उस पूरी प्रोसीडिंग में क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट पैरेलल प्रोसीडिंग है, आप समझिए जो केस होता है, तो केस उसकी क्रिमिनलिटी उसके क्रिमिनल एक्ट के अगेंस्ट में केस होता है, अगर आप मंसूर पकड़ेगा तो उसके ऊपर सिर्फ 406 और 420 हुआ है, और पकड़ेंगे भी तो कोई जाके मंसूर से क्लेम नहीं कर सकता उस केस के अंदर, मंसूर को सज़ा होगी तो मैक्सिमम 7 साल सज़ा है। अच्छा। और चलेगा ट्रायल मजिस्ट्रेट में, फिर मजिस्ट्रेट केस में के बाद अगर वहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी जो क्रिमिनल केस के दौरान जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, तो उसको रिलीज़ करना आसान नहीं है। क्यों रिलीज़ करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिलीज़ करने जाएगा, अगर मंसूर ने उसको ऑब्जेक्ट कर दिया या किसी और आदमी ने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो प्रॉपर्टी रिलीज़ नहीं होगी। फिर उसका एक अलग स्टेज है, अपील स्टेज है, एक सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर प्रॉपर्टी कब डिस्पोज होती है, जब केस डिस्पोज होता है उसके बाद प्रॉपर्टियाँ डिस्पोज होना, तो इट इज़ एक लॉन्ग प्रोसेस है, इट विल टेक इट मे टेक 10 ईयर 15 ईयर्स ऑल्सो, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। मगर जो मैं जिस प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूँ, जो स्पेसिफिक लॉ स्पेशल इसके लिए बनाया गया, इसीलिए बनाया, इसमें क्या है कि स्पीडी रिलीफ, इसका ऑब्जेक्ट ही क्या है, स्पीडी रिलीफ देना, पूरे लॉ का ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, कंपिटेंट अथॉरिटी जो पैरेलली चलेगा, इमीडिएट इसको अटैच करेगा प्रॉपर्टीज को, इमीडिएट कोर्ट से परमिशन लेके उसको लिक्विडेट करेगा, और बहुत जल्दी जल्दी उसको डिसमिस कर, तो ये पूरे प्रोसेस अगर सही से टाइम बाउंड चलेगा तो 6 महीने के अंदर जितने भी असेट अटैच होते हैं उन्हें जो भी पैसा आता है उसको प्रोपोर्शनेटली उनको डिपॉजिटर को, मगर ये सेम थिंग कैन नॉट बी हैपन इन क्रिमिनल केस। और इससे पहले जितने भी वो केसेस हुए हैं वो सीधा क्रिमिनल केसेस हुए, उनमें कोई प्रोसीडिंग इनके पीरियड, बल्कि अगर आपने देखे होंगे तो उनमें FIR में सेक्शन है वो, मगर सेक्शन KPA, ये जो KPID का एक्ट है, ये प्रोविजन पीनल प्रोविजन नहीं है, एक रिलीफ दिलाने का प्रोविजन है। अच्छा,
तो ये, और जो मैं क्यों होपफुल हूँ, क्योंकि मैं PIL में मैं सिर्फ उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा था, एक चीज़ और है कि मैंने कुछ लोगों का डिबेट देख रहा था, उसमें ये बोल रहे थे कि जो IMA है वो LLP कंपनी है, तो LLP कंपनी के अंदर KPID जो एक्ट है वो नहीं लग सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एक्चुअली एक ये लीगल इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाता है हर चीज़ को. ये एक्चुअली एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है. अच्छा. रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, और वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जब कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट को इंटरप्रेट करता है. तो KPIDA में एक्ट में क्या है, जो कि जो भी फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट को क्या डिफाइन किया गया, एनी इंडिविजुअल एक्सक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनीज मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ओनली एक्सेप्शन क्या है, दोज कंपनी विच इज मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली वो एक्सक्लूजन है. अदर देन दैट, इवन LPPs ऑल्सो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है. अच्छा. तो ऑल इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है ये, जो कि इट कवर्स एवरीथिंग. ये एक लॉन्ग रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि LPP वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इसलिए होता है क्योंकि हमने कुछ एक ये ऑब्स्टेंडा क्लॉज रहता है किसी के ऊपर, किसी एक्ट के, जैसे कंपनी एक्ट के अंदर में रहेगा, LPP एक्ट के अंदर में रहेगा. तो हमको लगता है ये देख के मर इचली, जब ये मैटर जाता है कोर्ट्स में जाता है तो कोर्ट कैन इंटरप्रेट. और इन मैटरों में क्या होता है, जब भी यहाँ पे लार्ज कंपनी का कम्युनिटी का इंटरेस्ट रहता है पीपल का, तब कोर्ट क्या होता है, हार्मनियस इंटरप्रिटेशन में जाता है. तो उसमें कौन सा इंटरप्रिटेशन लेता है जिसमें लोगों को बेनिफिट हो. और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट सर्टनली विल टेक विल इंटरप्रेट द मैटर विच इज बेनिफिशियल टू जनरल पब्लिक. अच्छा, ठीक है. तो ठीक है ताहिर, और कुछ आप रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि इतना काफ़ी अभी के लिए लोगों को? तो मैं एक दो चीज़ आपको इस आपके फोरम से बताना चाहता हूँ. देखिए, ये जो इंसिडेंट जो हो गया, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को नहीं डालना चाहिए था, अब डाल दिए, फर्स्ट चीज़. दूसरी चीज़, हम लोग जितने भी एफर्ट कर रहे हैं, ये सब एक इन एफर्ट्स में थोड़ा वक्त लगेगा, ये बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा. आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जिनको डिपॉजिट को. और मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे एफर्ट से पैसा मिलेगा, मगर मुझे ये उम्मीद है, ये लीगल सिस्टम में उम्मीद है, लॉ में उम्मीद है, कि अगर हम लोग प्रॉपर एफर्ट प्रॉपर फोरम से करेंगे तो देर आर चांसेस वी मे गेट सम पोर्शन ऑफ अवर डिपॉजिट बैक. करेक्ट. और एक और कुछ डिस्कशन में देख रहा था, लोग बोल रहे थे SIT कुछ काम नहीं करेगी, CBI को दे देना, ये दे देना, वो दे देना. तो मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी एजेंसीज रहती है ना, इनकी एक अपनी एक अलग लिमिटेशंस रहती है. और इन एजेंसीज से हम ज़्यादा ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं, ज़्यादा टाइमली रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे बीट CBI बीट SIT. नहीं, CBI भी हो तो पैसा निकाल के तो नहीं देगी, वो तो लॉ के थ्रू ही आएगा. वो सिर्फ ये है कि जो चीज़ हुआ है उसको ज़्यादा क्लियर सामने ला के पेश कर सकती है कि ये पूरा हुआ कैसे, बस यही हो सकता. नहीं, CBI इज़ अनदर पपेट ओनली. CBI इज़ नथिंग बट ए पपेट. तो CBI का हाल हमें देखा हुआ है, जो SIT इज़ फार फार बेटर. अच्छा. और क्या है, होता हाई कोर्ट कंट्रोल भी कर सकता है अच्छे ढंग से. तो ये बस मैं आपके फोरम्स के जरिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ. ठीक है, तो थैंक यू सो मच रोशनी डालने के लिए. और कुछ बात रहा तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं ताहिर भाई, तो आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी. मैं जब भी कोई नया डेवलपमेंट होगा मेरे, जो क्योंकि अब जो PIL है वो ट्यूसडे के लिए हेयरिंग के लिए है. अच्छा. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, इस तब तक ट्यूसडे तक आप कोई भी इम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं डालिए. ट्यूसडे के बाद अगर हो सका तो, अगर कुछ नई डेवलपमेंट हो तो सर्टनली मैं आपको अप्रोच करूँगा, आपको इन्फॉर्म करूँगा. और चाहिए तो हम लोग आगे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. मगर आप जो भी इम्प्लीटिंग एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस किसी को भी करना है तो बेहतर है ट्यूसडे की बात करेंगे, तो बेहतर है ट्यूसडे की बात करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you.